सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ महाट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महाट्रांसको की तरफ से जो पेपर हुआ था 2017 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी महाट्रांसको के लिए एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दी है, जहाँ पे हमने अभी तक नेटवर्क थियरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रांसको लेवल के जो क्वेश्चन थे या फिर एई लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो वो प्लेलिस्ट है, वो एक बार आप ज़रूर से चेक करना, आपको बहुत सारी उससे हेल्प मिल जाएगी। और जिन लोग स्टूडेंट को अगर पता नहीं है, तो महाट्रांसको की तरफ से जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी 16 एंड 17 जुलाई को उन्होंने डेट है वो अपडेट कर दी है। तो हमारे पास अभी सिर्फ 13 से 14 डेज ही हमारे पास अभी बचे हैं, तो प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर देना। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रू फॉर द डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ओके, तो हम लोग देखते हैं, ये जो डायग्राम है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिए, जो प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे स्पीड वर्सेस टॉर्क के रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे अभी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, तो सिर्फ आपको सीरीज वाला जो ग्राफ है वो सिर्फ थोड़ा अलग दिखेगा, यहाँ पे गलत है, ये वाला करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेकंड नंबर पे है वो। तो ने पूछा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का इनमें से कौन सा ग्राफ रहेगा। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला है वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो जो फोर्थ नंबर का जो ग्राफ है वो हमें करेक्ट है वो दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे ऑप्शन था 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ करेक्ट कर देना कि सीरीज का ऐसा ही होता है, जैसा इन्होंने डायग्राम में क्वेश्चन में पूछा गया है, सीरीज डीसी मोटर के लिए ऐसा ही होता है। ओके, तो बाकी के भी देख लेना एक बार, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पीड वर्सेस आए का या फिर स्पीड वर्सेस टॉर्क का। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड आए का और स्पीड जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे आपको, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा है वो डिफरेंट दिखाई देगा, जो टॉर्क वर्सेस करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन विच विल गिव बोथ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन इफ। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है वो डिस्कस किया था, जो थ्योरी है वो भी डिस्कस की थी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की हम लोगों ने, जो BMCJEE की तरफ से BMCJEE के लिए जो हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो वहाँ पे हमने इन डिटेल में सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस की है। ये जो चार्ट है मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन करके आपको बताया था। ओके, हम लोग वापस से एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पूछा कि वोल्टेज गेन और करंट गेन हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये चार्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे है करंट गेन और वोल्टेज गेन। तो यहाँ पे CE कॉन्फिगरेशन के कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन में हमें जो वोल्टेज गेन और करंट गेन है वो दोनों हाई मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन CE रहेगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली CC कॉन्फिगरेशन और CB कॉन्फिगरेशन भी एक बार चेक कर लेना, आपको इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है हाई या फिर लो के केस में। जो हमें करंट गेन मिलता है CB में उसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, CE के केस में हम लोग उसे बीटा से डिनोट करते हैं, और CC के केस में हम लोग उसे गामा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली फेज शिफ्ट से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद आगे भी इसी पेपर में पूछा गया था फेज शिफ्ट से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो इंडिविजुअली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक पॉइंट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो टेबल है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड जो ट्रिक चाहिए वो हमने BMCJEE की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे एक लेक्चर लिया था हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं शायद ऊपर अटैच कर दूंगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर एट NTP इज। ओके, तो NTP का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर पे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर है वो क्या होगा। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन SSCJEE में भी पूछा था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वहाँ पे रबर पूछा था, यहाँ पे हम लोगों ने एयर यहाँ पे इन्होंने पूछा है। ओके, तो मैंने टेबल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे एयर के लिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना, यहाँ पे 3 kV/mm। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 kV/mm है हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एयर के लिए, लेकिन यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है वो CM के केस में, ओके, पर सेंटीमीटर में यहाँ पे हमें 3 kV/mm दिया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 kV/mm है, तो यहाँ पे mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, करेक्ट। तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 30 kV/cm, तो 30 kV/cm यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें मिल जाएगा। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द रबर का 30 kV/mm है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस है 30 kV/cm एंड 30 kV/mm, तो आप कोई भी एक जो पैरामीटर है उसे आप ध्यान में रख सकते हो, चाहे तो mm में रखना या फिर CM में रखना, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आप सभी चीज़ें वो ध्यान में रखोगे, और जो कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से यूनिट क्या है वो देखोगे, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो बाकी के भी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिंक्रोनस कंडेंसर मीन्स एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट डैश विथ डैश पावर फैक्टर यूज इन द लार्ज पावर सिस्टम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। मैं पता ही है सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है वो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है रनिंग एट अ नो लोड। ओके, नो लोड पे हम लोग उसे ऑपरेट करते हैं जिसके वजह से हमें जो पावर फैक्टर मिलता है वो लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या है। नो लोड लीडिंग, करेक्ट। तो ये ऑप्शन अलग अलग है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ऑप्शन ए है, ये फुल लोड एंड लैगिंग यहाँ पे ऑप्शन बी है, ये थर्ड ऑप्शन है, और ये यहाँ से यहाँ तक फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नो लोड एंड लीडिंग पे हमें जो सिंक्रोनस कंडेंसर है वो हम लोग यूज करते हैं ताकि हमें जो लीडिंग पावर फैक्टर है वो मिले। कि एज अ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की जरा हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है पावर इंप्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर। ओके, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू अ थायरिस्टर। तो थायरिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट यह है यहाँ पे इन्होंने, लैचिंग करंट आई एच इज एसोसिएटेड विद द टर्न ऑफ प्रोसेस एंड होल्डिंग करंट आई एच विथ टर्न ऑन प्रोसेस। ओके, तो ये गलत है। हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक बार, जो होल्डिंग करंट और जो लैचिंग करंट होता है उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। लैचिंग करंट का वैल्यू हमेशा होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है इन केस ऑफ थायरिस्टर। हम लोग अगर ऐसे कहेंगे कि करंट का वैल्यू आईएल के अगर ऊपर है तो इसका मतलब हम लोग श्योर शॉट कह सकते हैं कि थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट में है, और अगर थायरिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो होल्डिंग करंट से अगर नीचे हुआ तो हम लोग इसे कहेंगे कि जो थायरिस्टर है वो श्योर शॉट ऑफ है। इसका मतलब लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद द ऑन प्रोसेस एंड होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड विद द ऑफ प्रोसेस। एग्जैक्टली यहाँ पे इन्होंने अपोजिट दिया है, इसलिए ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड विद द टर्न ऑफ प्रोसेस एंड द लैचिंग करंट विद टर्न ऑन प्रोसेस, करेक्ट। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, अगर एक करेक्ट हुआ तो सेकंड है वो रॉन्ग हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। एंड द थर्ड वन इज अ थायरिस्टर कैन बी टर्म एज अ एसी स्विच। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो मिस्टेक कर देंगे। एसी पे हम लोग ऑपरेट करते हैं लेकिन इसका आउटपुट है वो हमें डीसी मिलता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है वो करंट मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं, थायरिस्टर और एसीआर कैन ओनली कंडक्ट इन वन डायरेक्शन सो इट इज मोस्टली कॉल्ड एज अ डीसी स्विच। ओके, क्योंकि यहाँ पे करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है हमेशा, एनोड से लेके कैथोड की तरफ, तो इसलिए हम लोग इसे डीसी स्विच है वो कहेंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक किया होगा तो यहाँ पे आप मार्क कर लेना आपको उसमें से करंट कौन से डायरेक्शन में, या फिर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या फिर बाई डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो है तो उसे हम लोग डीसी स्विच कहेंगे, अगर बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो होगा तो उसे हम लोग एसी स्विच कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया ट्रैक, ट्रैक इज हैविंग अ टू एंटी पैरेलल एसीआर एंड कैन कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शंस व्हेन ट्रिगर्ड एंड देयरफॉर कॉल्ड एज अ एसी स्विच। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ओनली स्टेटमेंट टू है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ओनली टू इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोर डोमिनेंट प्रॉपर्टी इन केबल अमंग द फॉलोइंग इज। तो केबल में सबसे ज्यादा क्या डोमिनेट करता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रिलक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो हम लोग जो केबल पढ़ते हैं अंडरग्राउंड केबल, तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम केसेस में कैपेसिटेंस है वो ज्यादा वहाँ पे डिस्कस करते हैं क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेटिंग पैरामीटर है एज कम्पेयर टू द अदर। ओके, रेजिस्टेंस भी हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन कैपेसिटेंस भी हम लोग वहाँ पे ज्यादा पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग वगैरह भी ये जो सारे टॉपिक्स है वो इसी के अंडर आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर दी है। सिमिलरली डायलेक्ट्रिक लॉसेस भी क्या होते हैं अंडरग्राउंड केबल में, इससे भी शायद आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना या फिर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ओके, मैं शायद ऊपर आपको आई बटन पे वो वीडियो वो प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जनरली द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द केबल इज टेकन एज। ओके, तो जो केबल होता है उसका हम लोग इम्पीडेंस लेते हैं वो 40 ओम लेते हैं यूजुअली, जो नॉर्मल केबल रहेगा उसका 40 ओम्स हम लोग कंसिडर करते हैं, और जो ओवरहेड लाइन रहेगा उसे हम लोग 400 जो ओम्स है वो कंसिडर करते हैं। ओके, ये होगा ओवरहेड लाइन के केस में। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ये अप्रोक्सीमेट, इससे रिलेटेड आपको जो वैल्यूज है वो मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। फर्स्ट वन इज सुपर कंडक्टर्स हैव ऑलमोस्ट द जीरो रेजिस्टिविटी, करेक्ट, इसी के वजह से हम लोग उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। सेकेंड है द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन सुपर कंडक्टर। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नो इफेक्ट होता है सुपर कंडक्टर से, ये पार्शली करेक्ट है लेकिन हम लोग कंपल्सरी ऐसा नहीं कह सकते, उसे के लिए उसको जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सुपर कंडक्टर का डायग्राम है, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसके अंदर से पास हो जाएगी, पेनिट्रेट करेगी, लेकिन अगर
क्रिटिकल टेम्परेचर एटमोसफेयर टेम्परेचर का या फिर उसके अराउंड जो जो टेम्परेचर है वो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम हुआ तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर से पास नहीं होगी, वो उसके सराउंडिंग से है वो फ्लो करने लगेगी, जिसे हम लोग मिशनरी इफेक्ट है वो कहते हैं। इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन है वो ONGC के पेपर में पूछा गया था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते, यहाँ पे सिर्फ हाफ पार्शियल स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज बेरियम फेराइट कांट बी यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो शायद ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पता नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही रेयरली पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में दिया है ओनली वन एंड थ्री इज करेक्ट। ओके, जो आंसर की इन्होंने प्रोवाइड कर दी है वहाँ पे इन्होंने दिया है ओनली वन एंड थ्री आर करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री है वो करेक्ट है, यानी कि बेरियम फेराइट कांट बी यूज फॉर द परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन एंड ओनली थ्री इज करेक्ट। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको सभी क्वेश्चन के सभी आंसर है वो आएंगे, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही रेयरली पूछे जाएंगे। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो मार्क्स हम लोग स्कोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो टू वाले जो ऑप्शन है वो आप तो एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि जो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू है, और जो ऑप्शन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो बचा है उसी में आपको जो है वो टिक करके आना है। अगर आपको पता नहीं होगा तो शायद आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आपके जो आंसर करेक्ट होने के चांसेस है वो भी आप वहाँ पे बढ़ा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पता होगी ही, लेकिन आप वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हो। शायद आपको एक तीन ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे स्टेटमेंट टू है उसको करेक्ट दिया रहेगा, तो आप वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्चार्ज इफ द पावर डेवलप बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर यूनिट इज 9.8 किलोवाट अज्यूमिंग द 100% एफिशिएंसी विद 1.0 मीटर हेड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर टेकन एज 1000 kg/m³। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होता है वहाँ पे जो पावर जनरेशन का यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला सब्सिट्यूट करना है और आपको फॉर्मूला में वैल्यू सब्सिट्यूट करना है, आपको डायरेक्टली आंसर है वो मिल जाएगा। तो P इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला कहता है P इज इक्वल टू 0.736 डिवाइडेड बाय 75 Q इफिशियंसी एंड H। ओके, Q एंड H आपको यहाँ पे दिखाई देगा। Q मतलब यहाँ पे इन्होंने डिस्चार्ज लिया है, जो इफिशियंसी का हम लोग देते हैं ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन अल्टरनेटर सेट, जहाँ पे इन्होंने 100% दिया है, एंड H मीन्स वाटर हेड यहाँ पे इन्होंने कितना दिया है। ओके, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू है वो सब्सिट्यूट करना है, मैं Q का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर आप ये 0.736 डिवाइडेड बाय 75 का अगर आप वैल्यू है वो फाइंड आउट करोगे तो समथिंग आपको 0.0098 ऐसा आपको कुछ है वो इसका वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो अगर आपने डायरेक्टली यही वैल्यू अगर आपने ध्यान में रख दिया ये टर्म की जगह तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्यू इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 0.0098 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे इफिशियंसी 100% है यानी कि 1 हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड एच हेड कितना दिया है यहाँ पे इन्होंने मीटर हेड 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो पी का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, पी का वैल्यू कितना है 9.8 किलोवाट। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी, अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 m³/s। ओके, 1 m³/s, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है 1 m³/s ये आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कैलकुलेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो 9.8 और जो यहाँ पे 0.0098 है वो थ्रू आउट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऑप्शन भी इन्होंने ईजिली दिया है ताकि हम लोग आसानी से वहाँ पे पहुँच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which of the following cases the Ferranti effect on long overhead lines can't be experienced? तो कहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, द लाइन इज लाइटली लोडेड, करेक्ट, लाइटली लोडेड रहेगा तब हमें दिखाई देगा Ferranti effect. Ferranti effect मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। फिर द लाइन इज हेवीली लोडेड, नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन। एंड द थर्ड वन इज द पावर फैक्टर इज यूनिटी, ऐसा जरूरी नहीं है जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा तब हमें Ferranti effect है वो दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन है ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ओनली क्या पूछा यहाँ पे इन्होंने, कांट बी एक्सपीरियंस है ना, तो रॉन्ग वाले हमें यहाँ पे ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने, यानी कि टू एंड थ्री, बोथ टू एंड थ्री यहाँ पे करेक्ट है वो हो जाएगा। ओके, ओनली वन मत सिलेक्ट कर देना, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऑप्शन भी दिया है ओनली वन एंड बोथ टू एंड थ्री, जब इन्होंने क्या दिया है कांट बी एक्सपीरियंस पूछा है ना, तो वन स्टेटमेंट वन में हमें एक्सपीरियंस होगा, सेकेंड एंड थ्री में एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओके, तो आपको ध्यान से देखना है क्या पूछा गया है। सो कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द करंट ड्यू टू द 1 एम्पेयर करंट सोर्स। ओके, दिखाई नहीं देगा ये शायद से, एक बार ये हाईलाइट कर देता हूँ क्या है। तो अगर सिर्फ 1 एम्पेयर के वजह से ही हमें पूछा गया है, 1 एम्पेयर करंट सोर्स की वजह से, तो हम लोग सुपर पोजिशन थेरम जैसे हम लोग कहते हैं वैसे हम लोग सहारा लेंगे उसका, यानी कि ये जो 5 वोल्ट का जो सोर्स है इसे हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर जितना आप सर्किट को ईजी करते जाओगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, ये शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ पे सिर्फ बचा करंट का वैल्यू। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग मार्किंग करेंगे, ये ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे भी हमें मिल गया बी, ये भी मिल गया यहाँ पे बी। तो इसका मतलब ये जो दो रेजिस्टर है, 4 ओम का रेजिस्टर और जो 3 ओम का रेजिस्टर है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग जो सर्किट है वो ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने अगर ड्रॉ किया तो सर्किट है वो कुछ इस तरह से हम लोग को दिखाई देगा। यहाँ पे है ये करंट सोर्स, ओके। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगा ये कितना रहेगा, ये 4 और 3 का है वो पैरेलल हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ओम्स। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2 ओम्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 एम्पियर, ओके। तो ये आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ये दोनों आप एडिशन करोगे, ये दोनों का हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे, तो आपको जो फाइनल सर्किट मिलेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ओके। और हम लोग को इसी से अक्रॉस जो करंट का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, ओके। करंट डायरेक्शन है वो ध्यान से देखना किस तरह से, जिस डायरेक्शन में ऐसा करंट सोर्स है तो इस फैशन में करंट फ्लो करवाए, तो ये डायग्राम हम लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये 5 ओम, ये जो आर का वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करोगे कितना हो जाएगा, और आई का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आई मिलेगा, हम लोग करंट डिवीजन रूल प्लेन लगाएंगे यहाँ पे, सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो आर का वैल्यू है डिवाइडेड बाय 5 प्लस आर, ओके। तो ये आप सिंपली कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.4 ओम्स, ओके। यहाँ पे इन्होंने माइनस भी दिया है, तो इसकी वजह से आपको जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कैसा होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी रिड्यूस ड्यू टू द स्क्यूइंग ऑफ रोटर इन अ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो अगर स्क्यूइंग करने की वजह से कौन से यहाँ पे इन्होंने जो दिए हैं, 3 यहाँ पे टॉर्क दिए हैं, तो कौन से टॉर्क है वो कम हो जाएंगे, तो पैरासिटिक टॉर्क है वो कम होगा, इसके वजह से स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा एंड पुल आउट टॉर्क भी कम होगा। तो ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इन डिटेल में डिस्कस किया है। तो स्क्यूइंग ऑफ द रोटर इन अ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रिड्यूसेस, इंजीनियरिंग सर्विस से पूछा गया था, बहुत अच्छे से टाइम लेके मैंने ये क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है, क्यों होगा, किसके वजह से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे नॉइज भी कम होगा, पैरासिटिक टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क एंड पुल आउट टॉर्क, तो ये सारी चीजें हैं वो कम हो जाएगी। अगर आपको जानना है इसका इन डिटेल में डिस्कशन, तो वो वीडियो है वो रेफर कर देना, मैं उसकी लिंक मैं आपको ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे हम लोगों ने इंडक्शन मोटर के टोटल 40 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि इंडक्शन मोटर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे अभी इन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार पेपर में क्या क्या आया था वो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या टाइप के, क्या लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। गिवन वी कर्व, यानी कि आई ए वर्सेज आई एफ करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मोटर। तो जो वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व हमें मिलता है वो सिंक्रोनस मोटर के केस में मिलता है, ओके। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया था, तो एक बार देख लेते हैं जो वी कर्व होता है और इन्वर्टेड वी कर्व क्या होता है। तो वी कर्व है वो आर्मेचर करंट वर्सेज जो फील्ड करंट है उसके बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं, और जो इन्वर्टेड वी कर्व होता है हम लोग पावर फैक्टर वर्सेज जो फील्ड करंट है उसके बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन में क्या होगा, वहाँ पे कौन सा पावर फैक्टर है वो आपको पूछा जाएगा, हाफ लोड पे, फुल लोड पे। तो शायद इससे डायरेक्टली एक एक से आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ट्रिक बताया था कि ये मोटर से रिलेटेड है, तो मोटर से रिलेटेड अगर अंडर एक्साइटेशन है तो अंडर एक्साइटेशन मतलब वहाँ पे लैग करेगा, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अंडर है यानी अंडर एक्साइटेशन है कि जितना रिक्वायरमेंट उससे कम है, तो अगर कम है यानी कि उससे लैग करेगा, और अगर ओवर एक्साइटेड है, ओवर मतलब ज्यादा है, तो उसके वजह से वो लीड करेगा, ओके। तो ये ट्रिक है वो सिर्फ मोटर के लिए काम आएगी, जनरेटर के लिए इसके एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैक्सिमम हमें जो यहाँ पे फील्ड करंट का जो वैल्यू है, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड वी कर्व का यहाँ पे पीक मिलेगा, जहाँ पे पावर फैक्टर है वो मैक्सिमम मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका हम लोग को सबसे बॉटम का जो कर्व है वो यहाँ पे दिखाई देगा इन केस ऑफ आई वर्सेस आई एफ, यानी कि ये वी कर्व होते हैं, ओके। तो ये वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व हम लोग सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द इंड्यूस करंट इन द लूप बाय अ स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर एज शोन। ओके, तो ये करंट है वो ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ये कंडक्टर का लाइन है, यहाँ पे इन्होंने दिया है ये ए कंडक्टर है और यहाँ पे इन्होंने दिया है ये बी है, ये दो लूप्स है, तो ये दो लूप में करंट है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो हम लोग को पता ही है कि जो इंड्यूस करंट रहेगा वो इसके ओरिजिनल कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगा, तो करंट यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है, बॉटम से लेके टॉप की तरफ, ओके। तो इन दोनों में ए और बी के लूप में जो करंट फ्लो होगा भी बॉटम से टॉप में, ओके, यानी कि हम लोग ऐसे इस डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो करने की कोशिश करेगा, यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ए में करंट ऐसा फ्लो होगा और बी में जो करंट है वो ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है वो ए में कैसा फ्लो होगा, ए में है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, और बी के केस में यहाँ पे है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो करंट फ्लो होगा, ओके। तो इससे जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म एज शोन इन द फिगर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द चॉपर कॉन्फिगरेशन। तो ऑप्शन देखते हैं, वोल्टेज कम्यूटेटर चॉपर,
लोड कम्यूटेटर चॉपर, करंट कम्यूटेटर चॉपर एंड आइडियल डीसी चॉपर। तो अगर आपने वोल्टेज कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ी रहेगी तो आपको पता रहेगा कि वहां पे जो वेवफॉर्म है वो हमें ऐसा नहीं दिखाए, ये वेवफॉर्म सिर्फ हमें आइडियल डीसी चॉपर के केस में ही दिखाई देता है। ओके, क्योंकि वहां पे ये तीनों जो चॉपर है वहां पे हमें स्क्वायर वेवफॉर्म, इतना प्योर स्क्वायर वेवफॉर्म है वो हमें वहां पे नहीं दिखाई देता है। तो ये जो वेवफॉर्म है ये आइडियल डीसी चॉपर का है, तो यहाँ पे आइडियल डीसी चॉपर है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप एक बार ध्यान से देख लेना कि ये जो वोल्टेज कम्यूटेशन चॉपर उसका सर्किट कैसा होता है, करंट कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, तो एक बार ये जो टॉपिक्स है वो भी देख लेना। मैंने ऑब्जर्व किया है क्वेश्चन में कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पर्टिकुलर एग्जाम में, वो कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो नॉन कन्वेंशनल, यानी कि मैक्सिमम जिससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते ऐसे भी टॉपिक इन्होंने यहाँ पे टच करने की कोशिश की है। तो वोल्टेज कम्यूटेशन से या फिर करंट कम्यूटेशन से बहुत रेयरली क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, मोस्टली रेक्टिफायर से या फिर चॉपर से डायरेक्टली है वो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये वोल्टेज कितना रहेगा वहाँ पे, जो ड्यूटी साइकिल का वैल्यू है वो कितना रहेगा, ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लेकिन महाट्रांसको के एग्जाम में इन्होंने ऐसे बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स है वो भी टच करने की कोशिश की है। तो सजेस्ट करूंगा कि जो मैक्सिमम आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर पावर सिस्टम और जो मशीन्स के सारे जो टॉपिक्स है वो कवर करने की कोशिश करना, कोई भी टॉपिक नहीं आएगा ऐसा आप खुद से अज्यूम मत कर देना। वो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन है वो पूछे पूछे जा सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसमिशन है। तो हमारे पास जो कॉपी अवेलेबल थी क्वेश्चन पेपर की, वहाँ पे कोई भी जो स्टेटमेंट वो प्रोवाइडेड नहीं था, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने जो आंसर की प्रोवाइड कर दी थी वहाँ पे उन्होंने दिया था AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। ओके, ये वाला इन्होंने ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया था, यानी कि जो रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी का जो कंडीशन है वो उसे रिलेटेड शायद ऑप्शन होंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली A इज इक्वल टू D, ऐसा भी जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को पता है सिमेट्रिसिटी रेसिप्रोसिटी से रिलेटेड। तो जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो भी एक बार जरूर से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ गेट सोर्स रेजिस्टेंस इन किलो ओम फॉर एन SCR इफ द गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक हैज अ स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ 130, ट्रिगर सोर्स वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट एंड अलाउेबल गेट पावर डिसिपेशन ऑफ 0.5 वैट्स। ओके, तो हम लोग को जो गेट सोर्स रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग डायग्राम है वो देख लेते हैं कैसा होता है। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे SCR है वो ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया और एक सोर्स वोल्टेज है वो यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हो जाएगा वैल्यू, ये हम लोग गेट वोल्टेज इसको कहेंगे, इससे जो करंट फ्लो होगा गेट की तरफ वो हो जाएगा गेट करंट, ये सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू है, गेट सोर्स रेजिस्टेंस का जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इन्होंने अप्लाइड वोल्टेज है वो दिया है 15 वोल्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ की जो पावर डिसिपेशन होगा उसका वैल्यू दिया 0.5 वैट्स, यानी कि जिसे हम लोग PG कहेंगे, इट इज़ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ VG मल्टीप्लाई बाय IG, ये होगा 0.5। ओके, ये हो गया इक्वेशन वन। सेकेंड इक्वेशन किसका बनेगा, यहाँ पे उन्होंने दिया है द स्ट्रेट लाइन गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक हैज अ स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ 130 डिग्री। तो जो स्लोप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं गेट कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड वो होता है VG डिवाइडेड बाय IG इज इक्वल टू 130। ओके, ये होगा स्लोप का वैल्यू। तो हमारे पास अभी दो जो इक्वेशन है वो बन गए, तो इसी का हम लोग हेल्प लेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ऐसे कह सकते हैं VG इज इक्वल टू 130 टाइम्स IG। तो ये VG का वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हम लोग को यहाँ पे ऐसा कुछ मिल जाएगा IG मल्टीप्लाई बाय 130 IG इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, IG इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 130। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा 0.06201। ओके, अगर यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं है तो आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन है वो आप कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट का वैल्यू टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ठीक है, तो IG का वैल्यू तो हमारे पास अभी अवेलेबल हो गया, तो हम लोग इससे डायरेक्टली VG का वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। VG का वैल्यू हम लोग को कैसे मिलेगा, VG इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय IG, करेक्ट इक्वेशन वन से। तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.06201। अगर आप कैलकुलेट करोगे ये तो इसका आपको वैल्यू मिलेगा 0.063 वोल्ट। ओके, तो कुछ इजी कैलकुलेशन तो नहीं था यहाँ पे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन था, पता नहीं इतना इन्होंने क्वेश्चन है वो कैसा पूछा गया था। तो VG और IG का वैल्यू तो हमारे पास अभी अवेलेबल हो गया है, तो RS का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे सिंपली जो लूप है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप देखते हैं क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू IG RS प्लस VG, करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं RS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 माइनस VG डिवाइडेड बाय IS, यानी कि हो जाएगा 15 माइनस 8.063 डिवाइडेड बाय
आईजी का वैल्यू, ओके, डिवाइडेड बाय आईजी का वैल्यू कितना है, 0.06201। तो अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 111.94 ओम्स। ओके, यहाँ पे ओम्स में ही आंसर आएगा, किलो ओम्स में नहीं आएगा। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सारे के सारे ऑप्शन है वो किलो ओम्स में दिए हैं, और जो 11.94 है वो भी किलो ओम्स में दिया है, और यहाँ पे भी इन्होंने किलो ओम्स में पूछा है। तो शायद यहाँ पे जो चारों के चारों ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पे इन्होंने जो आंसर की में प्रोवाइड कर दिया था वो 1.11 के था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते कि जो आंसर आएगा वो 111.94 ओम्स आएगा, डायरेक्टली किलो ओम्स नहीं आएगा। तो एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना आप कैलकुलेटर के हेल्प से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, विदाउट कैलकुलेटर इतना इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा। बहुत ही जो न्यूमेरिकल जो आ रहे थे आंसर में वो बहुत ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, इसके वजह से ओवरऑल कैलकुलेशन थोड़ा आपको लेंदी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो फॉर टाइम बिंग वो क्वेश्चन है वो आप होल्ड पर रख सकते हैं, यानी कि आंसर फॉर रिव्यू के लिए, और जो आगे के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास टाइम बचेगा फिर ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन पे है वो आ जाएगा, क्योंकि बाकी के जो टेक्निकल है वो भी आपको सेम मार्क्स है वो प्रोवाइड करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्या, जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप सबसे पहले वो प्रैक्टिस कर लेना, ये सॉल्व करने की कोशिश करना, टाइम बचा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे आ जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द वेव फॉर्म एज शोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है जो वेव फॉर्म है वो, ऑप्शन देखते हैं, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल एसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके, कन्वर्टर मतलब जिसे हम लोग एसी टू डीसी ही कहा है, तो मतलब आउटपुट डीसी रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आउटपुट है वो एसी है, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। वोल्टेज कम्यूटेटेड डीसी टू डीसी चॉपर विद इनपुट डीसी, आउटपुट भी यहाँ पे डीसी है, तो ऑप्शन टू भी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। हम लोग को देख सकते हैं आउटपुट है वो एसी है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फेज वोल्टेज ऑफ अ थ्री फेज इन्वर्टर विद 180 डिग्री, करेक्ट। यहाँ पे ये ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एसी है, इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो हम लोग को एसी मिलता है, तो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है। और जो थर्ड वन है थ्री फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, अगेन यहाँ पे इन्होंने रेक्टिफायर दिया है, तो इसका मतलब आउटपुट है वो डीसी होगा। तो जो बाकी के तीन ऑप्शन है वो इन्होंने अच्छे से डिस्कस नहीं किए थे। शायद ये पूछा जा सकता है कि 120 डिग्री कंडक्शन रहेगा, 180 डिग्री कंडक्शन रहेगा, तो अगर ऐसे टाइप के ऑप्शन रहेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली वो कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन है वो बहुत ही ईजी सेट कर दिए थे, तो आपको पता भी नहीं होगा, फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कर देना, पिछले एग्जाम में पूछा गया था, मतलब अभी भी इजी क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा नहीं है, तो आप अच्छे से इन्वर्टर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ 50 हर्ट्ज थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर हैज एन इंडक्टेंस पर फेज ऑफ एक्स मिली हेनरी, द कैपेसिटेंस ऑफ जनरेटर एंड सर्किट ब्रेकर इज 0.002 माइक्रोफेरेड, इफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज 29 किलोहर्ट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडक्टर। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, कैपेसिटेंस अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, हम लोग को जो एल का वैल्यू यानी कि इंडक्टेंस का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओमेगा, ओमेगा सी और एल, ये ऑप्शन से हम लोग क्या जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। हम लोग को पता है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कभी कभी कहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका वैल्यू तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओके, यहाँ पे एक ध्यान देना है आपको कि जो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है वो 29 किलो हर्ट्ज में दिया है। ओके, किलो हर्ट्ज मतलब ओमेगा आर नहीं हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी एफ के टर्म्स में वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है एल की वैल्यू। ओके, तो ये क्या करेंगे हम लोग, 2πf स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो अगर आप एल का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा सी मल्टीप्लाई बाय 2πf स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर है वो फाइनली आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 15 मिली हेनरी। ओके, तो ये कैलकुलेशन भी हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 2π का वैल्यू यहाँ पे दिया है और वो भी डिनोमिनेटर में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ा बाय हार्ट कर लेना, 1π का वैल्यू कितना आता है, 1/2π का वैल्यू कितना होता है, √2 √3 का वैल्यू कितना आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड होगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एसी सर्किट एज शोन बिलो इफ द RMS वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज 30 वोल्ट, वैल्यू ऑफ इंडक्टर इज 0.5 हेनरी, वॉट इज द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है वहाँ पे सर्किट प्रोवाइडेड नहीं था, लेकिन हम लोग इसे एक समझ सकते हैं कि एसी सर्किट से भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ये भी ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन शायद ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि इंडक्टर रजिस्टर है वो RMS वोल्टेज यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो रजिस्टर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे टाइप की जो क्वेश्चन है वो आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर से देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। ओके, आपको इनकरेक्ट है वो फाइंड आउट करना है, करेक्ट वाले नहीं फाइंड आउट करना है। ओके,
ये ध्यान से आपको इसलिए क्वेश्चन है वो पढ़ना है, इनकरेक्ट वन है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट। ऑप्शन है द नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इज डिफरेंट फॉर पीक लोड एंड ऑफ पीक लोड। ऑब्वियसली जितना डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग है वो रिएक्टिव पावर जो वैल्यू, रिएक्टिव पावर का जो डिमांड है वो चेंज होगा ऑफ लोड पीक, ऑफ पीक पे और जो पीक लोड है वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन है वो प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट ही रहेगा। तो स्टेटमेंट वन है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है फेरांटी इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट ओनली ऑन मीडियम एंड लॉन्ग लाइन्स। करेक्ट, हम लोग को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में दिखता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में फेरांटी इफेक्ट नहीं दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है वो इग्नोर कर देते हैं। एंड थर्ड वन इज इक्विवेलेंट टी सर्किट फॉर अ लॉन्ग लाइन इज प्रेफर्ड टू इक्विवेलेंट पाई सर्किट। नहीं, हम लोग जो इक्विवेलेंट पाई सर्किट है वो प्रेफर करते हैं। क्यों, यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे जो टी नेटवर्क है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके, और ये है सिमिलरली पाई नेटवर्क, तो इसके भी रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पाई नेटवर्क है वो क्यों क्यों प्रेफर करते हैं। तो अगर हमें केवीएल और केसीएल में अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम लोग केसीएल या फिर जो नोडल एनालिसिस है वो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है वो उसको ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर हम लोग को यहाँ पे केसीएल लगाना पड़ेगा इन केस ऑफ टी नेटवर्क, तो यहाँ पे हमें एक नोड यहाँ पे मिलेगा, ये सेकेंड नोड यहाँ पे मिलेगा और जो थर्ड नोड है वो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल हमें थ्री इक्वेशन है वो फॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन इन केस ऑफ पाई नेटवर्क हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है वो दो ही नोड से वो लगाने पड़ेंगे, ये वन और ये यहाँ पे टू। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस होने की वजह से हमें जो थर्ड नोड है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, रेजिस्टेंस है वो इसके वजह से क्योंकि ये जो सेंडिंग एंड का वैल्यू है और ये रिसीविंग एंड का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे पाई के केस में जो कोई भी हमें नोड वन पे मिलेगा वही सेम इक्वल टू वैल्यू रहेगा वी एस का, और जो नोड टू पे मिलेगा वही सेम वोल्टेज रहेगा रिसीविंग एंड वोल्टेज का। ओके, लेकिन यहाँ पे टी में हमें जो टोटल है वो तीन नोड यानी कि तीन इक्वेशन बनेंगे, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो इसके लिए हम लोग टी के जगह पे पाए जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है वो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जहाँ पे थ्री है उन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है ना, यहाँ पे ओनली थ्री यहाँ पे है वो करेक्ट ऑप्शन है, वो हो जाएगा ओनली थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटपुट सिग्नल ऑफ अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज ऑलवेज। ओके, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का जो आउटपुट सिग्नल है वो कैसा होता है, जैसे अभी मैंने कहा था कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन में। ऑप्शन देखते हैं, लार्जर दैन द इनपुट सिग्नल, इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल, एग्जैक्टली इक्वल टू द इनपुट सिग्नल। ओके, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन में हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो फेज शिफ्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो जीरो फेज शिफ्ट है माने यानी कि जो इनपुट सिग्नल और जो आउटपुट सिग्नल है वो दोनों के इन फेज में रहेंगे। ओके, यहाँ पे आउट ऑफ फेज और इन फेज वाले दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इन फेज विद द इनपुट सिग्नल ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आउट ऑफ फेज किसका होता है, आउट ऑफ फेज सिर्फ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन का ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इमिटर फॉलोअर सर्किट वाइडली यूज इन एसी एम्पलीफिकेशन हैज। तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे एन एमिटर फॉलोअर सर्किट वर्क्स इन अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे इन्होंने कॉमन कलेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था। लेकिन कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन में इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन में, कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो वेरी हाई रहता है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लो रहता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पिडेंस, नहीं, हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, करेक्ट, ये ऑप्शन टू है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। ओके, एमिटर फॉलोअर सर्किट है, तो एमिटर फॉलोअर सर्किट में जो आउटपुट है वो हम लोग एमिटर के अक्रॉस देते हैं और जो इनपुट है हम लोग बेस में देते हैं। ओके, तो जितना वोल्टेज हम लोग बेस में देंगे अप्रोक्सीमेटली सेम वोल्टेज हमें एमिटर में मिलेगा। उसे हम लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो वोल्टेज गेन है इट इज़ लेस देन यूनिटी, इट इज फिर अप्रोक्सीमेटली यूनिटी हम लोग इसे कह सकते हैं, क्योंकि सीई के केस में और जो कॉमन बेस के कॉन्फ़िगरेशन में हमें जो वोल्टेज गेन है वो बहुत ही कम या फिर बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 150 टू 500 तक हमें मिल सकते हैं। यानी कि अगर इनपुट में हम लोगों ने अगर यहाँ पे 1 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर 150 से 500 वोल्ट हम लोगों को आउटपुट में मिलेगा, लेकिन वोल्टेज गेन के सीसी के केस में यानी कि कॉमन कलेक्टर के केस में हमें जो वोल्टेज गेन है वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली यूनिटी कह सकते हैं। इसके वजह से जो वोल्टेज हम लोग इनपुट पे देंगे वही अप्रोक्सीमेटली सेम हमें आउटपुट पे है वो दिखाई देगा। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो, तो इसलिए आपको ये जो टेबल है ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और ये सारी चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। तो पार्ट वन में हम लोग इतने ही क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो भी आप जरूर से देखना। तो चलिए अब हम मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट टू में।